नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में पाबंदी लागू। बिहार में 711 ईटीएस मशीन से जमीन की होगी मापी। पुलिस एम्बुलेंस समेत सभी आपातकालीन सेवा के लिए डायल होगा एक ही नंबर। नीतीश कुमार ने सुनाई झारखंड को खरी खरी। वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह के बल्ले से फिर निकलेगी आतिशी पारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में पाबंदी लागू। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद जरूरी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कक्षा 9वीं के बाद सभी क्लासेस 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कक्षा 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग संस्थान 9वीं के बाद 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबे में 50% कैपेसिटी के साथ इसे खोला जाएगा। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति की ही अनुमति होगी और शॉपिंग मॉल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह पाबंदियां बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगी। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 893 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 5, बांका में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 6, भोजपुर में 7, बक्सर में 1, दरभंगा में 12, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 99, जमुई में 11, जहानाबाद में 8, कैमूर में 5, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 5, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 2, मुंगेर में 14, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 7, नवादा में 4, पटना में 565, पूर्णिया में 2, रोहतास में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 10, सारण में 3, शिवहर में 4, समस्तीपुर में 3, सिवान में 5, सुपौल में 6, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 6 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 8 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,44,675 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 56 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार की सड़कों पर चलेगा शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। बिहार में शराबबंदी कानून कहने को लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आज किसी से भी नहीं छुपी है। यही कारण है कि बिहार सरकार बार बार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए कड़े नियमों को लागू कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने निर्णय लिया है कि गाड़ी के साथ साथ शराब की तस्करी करने वालों पर भी पदाधिकारी निगरानी रखेंगे, शराब की भी जांच करेंगे। इसको लेकर ही विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य और दूसरे राज्यों में जाने और वहां से आने वाली बसों की सख्ती से जांच होगी। इसको लेकर सभी निजी बस मालिकों से दोबारा इस संबंध में पदाधिकारी पत्राचार करें। दरोगा बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार में दरोगा बहाली के अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 2,446 दरोगा की बहाली के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने उन 268 अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला जारी किया है। हाईकोर्ट की तरफ से दी गई इस राहत के बाद अब दरोगा बहाली में सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कोर्ट की सुनवाई में अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि 1 अगस्त 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8% था। उसके बाद जो सूची जारी हुई उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन उम्मीदवारों के नाम सूची में थे ही नहीं। तीसरी लहर से निपटने के लिए डॉक्टरों को मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण।
बिहार में कोरोना के मामलों में जिस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका अब साफ दिखाई दे रही है, जिसके बाद ही अब बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, जिसके तहत अब तीसरी लहर से निपटने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, जो कि पटना एम्स की तरफ से किया जाएगा। मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार को कोरोना से निकालने के लिए राज्य भर के चिकित्सकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। पटना एम्स में कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया है कि पिछली दो लहर के दौरान एम्स पटना ने कोरोना से निपटने में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दीपाली किशोर की। दीपाली किशोर का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। दीपाली किशोर एक भारतीय गायिका हैं। वो इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट रही थी। वो बॉलीवुड अभिनेता जॉन इब्राहिम के साथ भी दिखाई दे चुकी हैं और फिल्म गोल के एक समूह गीत का प्रदर्शन करते भी उन्हें देखा गया है। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना गाया है। अनु मलिक द्वारा रचित गीत आई लव यू है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मियांग चांग के साथ ऑडिशन और फिर रूबरू की मेजबानी की है। उन्होंने आभास जोशी के साथ डीडी नेशनल पर एक संगीत शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी भी की। दीपाली महुआ टीवी पर भोजपुरी सोप बड़की मलिकाइन में अभिनय भी कर रही थी। उनका नवीनतम बॉलीवुड गीत की एंड का से मिथुन के साथ में जी हुजूरी था। एम्बुलेंस समेत सभी आपातकालीन सेवा के लिए डायल होगा एक ही नंबर। अब बिहार सरकार का मकसद बिहारवासियों को इमरजेंसी की स्थिति में जल्द से जल्द सुविधाएं पहुंचाने का है। बिहार में अब तक सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपको अलग अलग नंबर डायल करना पड़ता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब पुलिस हो या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड हो, हर आपातकालीन सेवा के लिए आपको डायल 112 ही करना होगा। सभी आपातकालीन सेवा वाले नंबरों को एक प्लेटफॉर्म यानी डायल 112 पर किए जाने के संबंध में ही पुलिस मुख्यालय ने बीते दिन एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। हालांकि इस बार ये व्यवस्था बेहद ही हाईटेक होने वाली है और इसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसे फोन करने वालों का लोकेशन भी उसकी कॉल के साथ ही कमांड सेंटर को मिल जाएगा। इससे रीटाइम कम लगेगा। बिहार को अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी कोई राहत। पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना लोग कर रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों को बस मौसम की मार से राहत की उम्मीद है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अभी लोगों को राहत मिलने की बात से साफ इनकार किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने साफ कहा है कि बिहार में आगामी 8 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री के अंदर रहेगा। ज्यादातर जिलों में 10 डिग्री या उससे नीचे का पारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। पटना मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पछुआ हवा की गति धीमी पड़ गई है। हालांकि बिहार में तापमान में गिरावट होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। बिहार में रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ 6 किलो सोना। बीते दिन बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर DRI और RPF की संयुक्त कार्रवाई में 6 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छापेमार दस्ते ने चंबल और शिप्रा एक्सप्रेस में अचानक पहुंचकर छापेमारी की, जिसके बाद ही पटना DRI टीम और RPF ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि अब तक हुई जांच में पता चला है कि यह सोना हावड़ा से लाया जा रहा था। दोनों ट्रेनों में करीब 3-3 किलोग्राम सोना मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक DRI की टीम और RPF ने दोनों ट्रेनों में बड़ी गहनता से जांच की है। आज मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में होगी साल की पहली नीतीश कैबिनेट की बैठक। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज इस साल की पहली बैठक 11:30 बजे के आसपास होने वाली है, जो कि मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित करवाई जाएगी। जानकारों की माने तो आज होने वाली इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर चुका है और सभी संबंधित विभागों को लेटर भेज चुका है। इससे पहले पिछले साल ही दिसंबर महीने के आखिरी में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बिहार के गांव की सड़क बनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जारी किया अहम आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गांव की सड़क बनाने को लेकर बीते दिन अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत बीते दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना को जनहित में नहीं रोके जाने की बात कही गई है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संजीव प्रकाश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता कंपनी ने सड़क निर्माण पर अस्थायी रोक लगाने की गुहार लगाई है। इसको लेकर कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग होने की वैधता पर बाद में सुनवाई होगी। इस बीच ग्रामीण सड़कों का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिहार में डॉक्टरों की सुरक्षा होगी पुख्ता। बिहार में डॉक्टरों की सुरक्षा अब और ज्यादा पुख्ता होने वाली है। इसको लेकर जल्द ही नई पहल होगी।
पुलिस मुख्यालय ने उसकी समीक्षा को लेकर और बेहतर बनाने के लिए बिहार के सभी जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जिले के तमाम डॉक्टरों को जोड़ने का काम किया जाएगा। चिकित्सक उस ग्रुप में अपनी परेशानी और सुरक्षा को लेकर अपनी बात रख सकेंगे। उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उस ग्रुप से जुड़े पदाधिकारी उनकी सुरक्षा को लेकर होने वाली परेशानी को तुरंत दूर करने का उपाय करेंगे। वहीं कुछ समय पहले ही विभिन्न जिलों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने DGP से मुलाकात भी की थी। 711 ETS मशीन से जमीन की होगी मापी। बिहार में जल्द ही जमीन से जुड़े विवाद कम होने वाले हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन संबंधी मामलों को कम करने का प्रण ले लिया है। इसको लेकर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई सुधार किए हैं। इस साल भी नए काम किए जाएंगे, जिसके तहत ही नए साल में बिहार की जनता को विभाग बड़ा सौगात देने जा रहा है, जिसमें स्पेशल म्यूटेशन के जरिए दाखिल खारिज, भूमि सर्वेक्षण का अंतिम रूप में प्रकाशन, राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी, इसके साथ ही अंचल अभिलेख भवनों का कार्यकारी होना, आधुनिक अभिलेखागारों में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और लोगों में मामूली शुल्क लेकर राजस्व दस्तावेज उपलब्ध कराना शामिल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बिहार में 711 ETS मशीन की खरीद किए जाने की बात भी कही गई है। जज के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही टली लालू प्रसाद यादव की सुनवाई। चारा घोटाला मामले के सबसे चर्चित मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई कर रहे जज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इतना ही नहीं, कई कर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद इस सुनवाई को अब अगले 3 दिनों के लिए टाल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 102 आरोपियों पर सुनवाई होनी थी, जिसके बाद ही अब इस सुनवाई को टालते हुए इसे 6 जनवरी को निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मामले में बहस अंतिम चरण में है, सिर्फ 3 आरोपियों की तरफ से ही बहस की जानी है। नीतीश कुमार ने सुनाई झारखंड को खरी खरी। बीते दिन अपने समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर झारखंड को खूब सुनाया। इसको लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो जाए, लेकिन उन्हें अनसुना किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि झारखंड से चोरी छिपे शराब बिहार में आ रही है, जिसके कारण ही उन्होंने लोगों को सचेत कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी लागू हो तो झारखंड की महिलाओं ने भी इसे वहां पर करने की बात कही थी। वहां के लोगों की भी यही इच्छा है कि ये लागू हो, लेकिन लागू तो करते नहीं है, बल्कि वहां से गड़बड़ शराब यहां पर जरूर आती है। एनडीए में सीएम नीतीश की नहीं गल रही है दाल। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों की एक ही राय है, बस भाजपा की राय बाकियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि भाजपा ही है जो सीधे तौर पर बिहार सरकार की इस मांग को ठुकरा रही है, जिसने ही विपक्ष को बोलने का भी मौका दे दिया है। यही कारण है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके तहत ही अब कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की मंशा ठीक नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के विरोध के बावजूद भी वो एनडीए में टिके हुए हैं और गद्दी से चिपके हुए हैं। जब विपक्ष भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर उनका साथ दे रहा है, तो फिर भाजपा क्यों नहीं दे रही है? इन सब बातों को गौर से सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा उनका साथ नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में उनका कुछ नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री को एनडीए छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए। प्रकाश पर्व के कीर्तन जुलूस में शामिल नहीं होंगे बच्चे। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर मनाए जा रहे प्रकाश पर्व के दौरान कीर्तन जुलूस निकाला जाता है। हालांकि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस जुलूस से बच्चों को बाहर रखने का आदेश जारी हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गुरुद्वारा में एंट्री के लिए भी अब श्रद्धालुओं को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें रैपिड एंटीजन के तहत उसी वक्त जांच करवानी होगी। पटना के जिलाधिकारी ने गुरुद्वारा समिति से नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है, साथ ही उन्होंने लंगर भी छोटे स्तर पर चलाने की बात दोहराई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन द्वारा प्रकाश पर्व के लिए तैयारियां पूरी करने का भी भरोसा दिलाया है। कोरोना संक्रमण फैलने के कारण जदयू कार्यालय में लगा ताला। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर दिन आ रहे दैनिक मामले अब डराने लगे हैं। इन सब के बीच जनता दरबार में बीते दिन ही कोरोना के कई मामले सामने आए, जिसके बाद ही अब जदयू कार्यालय में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें कार्यालय का गार्ड भी शामिल है।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जदयू ऑफिस में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ही जनता दरबार सहित अन्य कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बीते दिन ही जनता दरबार में आधा दर्जन फरियादी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद ही अब जदयू कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। एमएलसी चुनाव के लिए राजद ने शुरू की उम्मीदवारों की खोज। पंचायत चुनाव के बाद अब बिहार में जल्द ही एमएलसी के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ही राजद ने विधान परिषद प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए प्रत्याशियों को कुछ टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो भी करना होगा, जिसके तहत जहां से कोई प्रत्याशी टिकट चाहता है वहां के सामाजिक समीकरण में वो फिट बैठना चाहिए। साथ ही प्रत्याशी पार्टी चुनाव खर्च उठा सकने वाला होना चाहिए। इन कसौटियों पर उतरने वाले उम्मीदवारों को ही राजद चुनाव में उतारने का रिस्क लेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसकी अधिसूचना जनवरी के अंतिम हफ्ते अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। शराबबंदी को लेकर पहले आग्रह करें फिर सत्याग्रह करें। बीते दिन शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल रहा है और टिक सका है। ये जीविका दीदियों और समाज के सहयोग से संभव हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शराब दहेज और बाल विवाह और सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई से तो लड़ना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब कोई प्रयास भी नहीं करेगा क्योंकि कड़ाई बहुत है। अगर फिर भी कोई नहीं माने तो आग्रह सत्याग्रह कीजिए, इसके बाद भी नहीं माने तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कीजिए। तेजस्वी की यात्रा महज एक नौटंकी। खरमास के बाद बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगार हटाओ यात्रा पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि तेजस्वी की यह यात्रा कितनी सफल हो पाती है या नहीं, ये तो पूरी तरीके से कोरोना के प्रसार पर निर्भर करेगा। लेकिन तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके तहत तेजस्वी यादव पर उनके मामा साधु यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। साधु यादव ने तेजस्वी के बेरोजगारी हटाओ यात्रा को ड्रामा करार दिया है। साधु यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने व्यंग को जारी रखते हुए कहा कि बिहार की जनता सब जानती है, तेजस्वी को पहचान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां राजद की तरफ से की जा रही है। युवा क्रांति रथ भी यात्रा के लिए अब तैयार है, जिस पर सवार होकर तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। जदयू में कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है। कई कार्यकर्ताओं के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है, जहां उन्होंने बताया कि वो फिलहाल होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उनके संपर्क में जो भी आए हैं वो कोरोना जांच जरूर करवा ले। चिंताजनक बात यह है कि बीते दिन पटना के बाढ़ में नगर पालिका के ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण 151वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह और जन कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम ललन सिंह शामिल हुए थे, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार समेत जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। भारत में हो गई है कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि जानकार अब तक इसे कोरोना की तीसरी लहर नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मेडिकल एक्सपर्ट ने यह मान लिया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। जानकारों की माने तो ये लहर फरवरी तक बनी रह सकती है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। हेल्वेटिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर एस चंद्रा का कहना है कि हम तीसरी लहर की शुरुआत में हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यही है कि इस नए वेरिएंट के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ख्वाजा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को 1659 में पराजित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1671 में मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। 1893 में योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु श्री योगानंद जी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत और नेपाल के पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को 2014 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT-14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। मुगल शासक शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 1955 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता रमेश बहल का 1990 में निधन आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था।
सहवाग और युवराज सिंह के बल्ले से फिर निकलेगी आतिशी पारी। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और हरभजन सिंह उन कई पूर्व खिलाड़ियों में शामिल है जो 20 जनवरी से ओमान में शुरू होने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया महाराजा टीम की तरफ से खेलेंगे। LLC संन्यास ले चुके क्रिकेटरों की पेशेवर लीग है जिसमें 3 टीम भाग लेगी, 2 अन्य टीम एशिया और शेष विश्व की है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री इस लीग के आयुक्त है। सहवाग, युवराज और हरभजन के अलावा इंडिया महाराजा टीम में इरफान पठान, यूसुफ पठान, बद्रीनाथ, RP सिंह, प्रज्ञान ओझा, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, हेमंग बदानी, वेणुगोपाल रॉय, मुनाफ पटेल, संजय बांगर, नयन मोंगिया और अमित भंडारी का नाम शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है टीम जायसवाल, गेंगर, रहीश यादव ऑफिशियल, सुनील कुमार, प्रिया यादव, श्याम कुमार मंडल, सतीश पाल, शेखर पटेल, मंजला सचिन, काजल कुमारी, अप्पू कुमार मिश्रा, कुंदन साजवान, संभुदास, जयप्रकाश कुमार, सूरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मौजूदा हालात को देखते हुए किस टीम का पलराज ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।